हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों आज अभी भी जस्ट आए हैं तुरंत ही, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, समझ लीजिए ट्रेनिंग टाइम तो बिल्कुल टाइम है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मुझे टाइम मिला है तो मैं आज की वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सब लोग कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार SSC GD की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है, कुछ तो पेपर इस बार इजी था। अगली बार पेपर बहुत ही लेवल उसका अप था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार टाइम 1 घंटा कर दिया है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी भी कम जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थोड़ी बहुत ही कम जाएगी, बट ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा इजी लेवल का आया था अगली बार के मुकाबले। अगली बार जब मेरा एग्ज़ाम था तो पेपर बहुत ही लेवल टफ था। तो अगर आपको सब कुछ पता है कि कौन सी अगर आपको पोस्ट अच्छी लगती है, कौन सी भरी, अगर आप नंबर 1 पे SSF भरा है तो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी पोस्ट SSF है और सबसे अच्छी नौकरी भी SSF है और मुझे SSF ही मिली है। तो मेरी ट्रेनिंग आपको सब पता है कि कहाँ हो रही है, MP में मेरी ट्रेनिंग हो रही है, CRPF ट्रेनिंग मेरी करवा रही है। तो दोस्तों मैं आपको आज इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितनी इस बार SSF की रहने वाली है, और ये क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। अगर आप कोई भी स्टेट से हैं तो उससे मतलब नहीं है कि आपके नंबर कम है या ज़्यादा है, तो ये ऑल इंडिया कट ऑफ है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं कोई भी राज्य के हैं तो अगर आप इतने नंबर लाते तभी आपको SSF मिलेगी। तो मेरे हिसाब से SSF आपको अगर मैंने आकलन किया था तो 130 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 100% आपको SSF मिल जाएगी। 130 में आप 5 कम भी कर सकते हैं, 125 और 135, इसी बीच आपकी SSF की कट ऑफ 100% रहने वाली है, तो मैंने आपको बता दिया। तो और अगर आप SSF अगर बाकी अगर आपके ये मत सोचे 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि और पोस्टों की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, CRPF, BSF, CISF, असम राइफल्स वगैरह बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन असमें खासकर SSF के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छी पोस्ट है SSF, सबसे कम काम होता है SSF का। तो कट ऑफ के बारे में आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ तो अभी मैंने अपना चेस्ट नंबर भी नहीं उतारा है, तो तुरंत अभी मुझे फिर भी जाना है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ट्रेनिंग टाइम में। तो अगर आप लोग भी बढ़िया, अगर आपके मार्क्स मेरे हिसाब से अगर आपके 110 मार्क्स हैं, 110 अगर आप यूपी राज्य से हैं, यूपी हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब ये राजस्थान ये बिहार ये वाले राज्य से हैं, तो आपके इतने मार्क्स तो होने चाहिए 100 प्लस मार्क्स, तभी आप रेस स्टार्ट कर दीजिए। और रेस आप धीरे धीरे स्टार्ट रखिए, क्या पता आपका नाम आ भी सकता है कट ऑफ कितने भी कम, क्योंकि इस बार फॉर्म कम पड़े हुए हैं तो क्या पता आपका नाम कम पे भी आ सकता है। तो आप घबराइए मत, आप आराम से रनिंग धीरे धीरे स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, 90 से कम हैं, अगर आप UR में आ रहे हो 90 से भी कम है, तो आप मैं तो नहीं कहूँगा हो जाएगा लेकिन नहीं होगा 90 में, तो आप यूपी पुलिस आने वाली है तो आप उसकी तैयारी भरपूर से करिए। लेकिन अगर आपके 100 मार्क्स प्लस हैं, 110 मार्क्स प्लस हैं, तो आप रनिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको सारी ट्रेनिंग के बारे में बताता रहूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।